कर रहे हैं, जो हमारे भाई यहाँ पर अंदर स्नाई पर बैठे हैं, सभी को मेरा इंकलाबी सलाम। अपनी बात की शुरुआत मैं दो लाइनों से करना चाहूंगा, जो कि आप लोगों ने सच करके दिखाया है उन लाइनों को। उसूलों पर जब आज आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जब आज आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जामिया में, शाहीनबाग में, अलाहाबाद में, लखनऊ में, कोटा में, हर जगह हमारी माँ और बहनों ने ये बता दिया है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। जब भी संविधान पे बात आएगी, जब भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे बात आएगी, जब भी आईन पे बात आएगी, तो सबसे पहले हमारी माँ बहनें और हम लोग पहले सब निकले होंगे इस संविधान को बचाने के लिए। मैं बहुत पहले से अब मौजूद हूँ, मैं बीच में कुछ दिनों के लिए घर गया था, मेरी भी माँ है, उन्हें भी मेरी टेंशन होती है, जैसे आप सबको अपने बच्चों की टेंशन होती है। जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे बीमा के चेहरे पे वो शिकन देखी, जो एक डर था कि मेरा बच्चा वापस दिल्ली में जा रहा है। तो मैंने अपनी माँ से एक ही बात कही थी, आप परेशान मत होइए, आप यहाँ एक माँ, यहाँ पे हजारों माँ दादी की दुआएं मेरे साथ में है, जब तक ये दुआएं मेरे साथ में होंगी इंशाल्लाह ताला मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे इस बात का फर्ज है, मुझे इस बात का फर्ज है कि मैं उस जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी थे, वो जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा हूँ जहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली चौहान थे, मैं उस जामिया मिलिया इस्लामिया में खड़ा हूँ जहाँ पर मौलाना अबू कलाम आजाद खड़े थे, उस जामिया मिलिया इस्लामिया में 1920 से बाजार 2020 है, जो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई किन से लड़ रहे हैं, जो हमारे संविधान को मिटाना चाहते हैं। वो संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, वो संविधान जो महात्मा गांधी सब लोगों ने मिलकर दिया था, जंग आजादी के बाद जो संविधान में मिला था। और जब उस संविधान के साथ आप छेड़छाड़ करने की बात करेंगे ना साहब, तो हम आपको ऐसे ही सड़कों पे बैठ के जवाब देंगे, हमेशा जवाब देते रहेंगे। अब लड़ाई किस चीज की है, ये पीछे प्रियम्बल टंगा है, इसमें शब्द है सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो शब्द है ना, इस शब्द से वो लोग डरते हैं, ये शब्द को वो हटाना चाहते हैं, और उनकी पहली मंशा यही है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरियों में क्यों हमला किया था। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वो क्यों लाइब्रेरी में घुसे थे, क्योंकि वो डरते हैं। इस चीज से डरते हैं वो कि हम पढ़े लेंगे लिखेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे और जब हम लिखेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे उनकी फॉरेन पॉलिसी पे। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे, साहब देश में रोजगार क्यों नहीं है। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनसे पूछेंगे, बात को भी हमें समझने की जरूरत है, वोट कौन देगा सरकार को, वोट वो देगा जो भारत का नागरिक होगा। तो इसीलिए वोटर आई डी कार्ड को आप क्यों नहीं रख रहे हैं, आधार को क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों आप कहते हैं कि ये बताओ कि आपके बाप और दादा कहाँ पैदा हुए थे। साहब हमारे बाप और दादा यही पैदा हुए थे और हम इसी जामिया के थे और हम इसी जामिया में रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक और बात हमें समझने की जरूरत है, लाठी का जवाब लाठी नहीं है, बंदूक का जवाब बंदूक नहीं है, इन सब का जवाब एक है, कलम और किताब। लाठी का जवाब भी हम कलम से देंगे, किताब का जवाब भी हम कलम से देंगे, और कलम से इंकलाब आएगा इंशाल्लाह, और कलम से इंकलाब हम देगा रहेंगे। इन सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, रिवॉल्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। हमें यह समझना पड़ेगा ये संविधान की लड़ाई है, और हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हम संविधान बचा नहीं देते हैं। और आप अगर संविधान के साथ तोड़ मोड़ कर करना चाहेंगे तो मैं सही बैठे रहेंगे। और दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहूंगा, तब कभी शाम को यहां से निकलता भी हूं जब हिम्मत हम सब हार जाते हैं, जिंदगी में एक वक्त आता है तो सोचते हैं ये लड़ाई कितनी लंबी होगी, कितने आगे तक जाएगी। यहाँ पे जो छोटे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे जो माए बहने बैठी हैं, उनको जुनून को देख कर वापस दिल में एक जुनून आ जाता है, तब ये बैठ सकती है तो हम लोग भी खड़े होंगे, हम और आप मिलकर इंशाअल्लाह ये लड़ाई जीतेंगे और जीत कर रहेंगे। शुक्रिया, इनके लिए आप जिंदाबाद, जोहर सलाम।